हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोनेट 116 जो कि लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। और इस सोनेट का प्रॉपर कोई टाइटल नहीं है, बट स्टार्टिंग होती है लेट मी नो टू द मैरिज। तो चलो लाइन टू लाइन इस सोनेट को हम पढ़ने की ट्राई करेंगे और समझने की भी ट्राई करेंगे। यहाँ पहली लाइन है लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसका मतलब होगा कि जो सच्चे प्रेमी है, एडमिट इम्पेडिमेंट्स यानी कि अवरोध आना, इम्पेडिमेंट्स यानी अवरोध बाधाएं। तो शेक्सपियर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई दो सच्चे प्रेमी हो उसके बीच में कोई अवरोध आए, कोई बाधाएं आए। लव इज़ नॉट लव, वो प्यार प्यार ही नहीं है। विच अल्टर्स वेन इट अल्टरेशन फाइंड, जो बदलाव देखकर या फिर कोई बदलाव आए दुनिया में तो वो भी बदल जाए, वो प्यार प्यार ही नहीं है, वैसा शेक्सपियर कहते हैं। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, जैसे हम रबर बैंड कहते हैं वैसे एक चीज़ जो कुछ मिटा सकती है। तो प्यार वो नहीं है जो ऐसी चीज़ आए और मिटाने की ट्राई करे उसे तो वो मिट जाए। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, यानी कि पोएट शेक्सपियर कहते हैं वो एक एवर फिक्स्ड, कभी भी हिलता नहीं है, अपनी जगह पर ही ठहरा रहता है, उसको हम एवर फिक्स मार्क कहेंगे। इस दुनिया में ऐसी एक ही चीज़ है जो एवर फिक्स्ड है और वो है पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। तो यहाँ शेक्सपियर प्यार को ध्रुव तारे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट यानी कि वो तूफान देखता है, प्यार है वो तूफान देखता है, टेम्पेस्ट यानी तूफान। एंड इज नेवर शेकन, फिर भी वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, वैसा के वैसा ही रहता है। तो यहाँ कहा गया है, सबसे पहले शेक्सपियर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई दो सच्चे प्रेमी हो उसके बीच में कोई बाधाएं आए, वो प्यार प्यार ही नहीं है जो बदलाव देखकर बदल जाए, या फिर वो प्यार प्यार ही नहीं है जो कोई चीज़ उसे मिटाने की ट्राई करे तो मिट जाए। बट प्यार एक एवर फिक्स मार्क है यानी कि एक ध्रुव तारे के समान है जो कभी भी हिलता नहीं है, कोई भी चीज़ हो चाहे तूफान भी आ जाए फिर भी वो बदलता नहीं है। दोस्तों एक चीज़ मानी जाती है कि शेक्सपियर ने सोनेट लिखी है, ये सोनेट एन हैथवे यानी उसकी पत्नी के लिए नहीं थी, कोई यंग लेडी या फिर कोई यंग मैन के लिए थी जिसके कांटेक्ट में वो आया था और उसे अट्रैक्ट था, तो उसी के लिए ये सोनेट उसने लिखी थी, एन हैथवे के लिए नहीं लिखी थी। चलो आगे देखते हैं सोनेट में क्या कहना चाहते हैं। इट इज़ द स्टार टू एवरी वेंडरिंग बार्क, जब कोई ऐसा मशीन नहीं होता था या ऐसा कोई यंत्र नहीं होता था जिससे हम दिशा जान सके, तब एक स्टार का ऐसा उपयोग होता था, पोल स्टार का या फिर दूसरे डिफरेंट स्टार का जो एक ही दिशा में रहते हैं। तो मानो कि ध्रुव तारा हो वो उत्तर दिशा में रहता है, तो ध्रुव तारे से लोग पता लगाते थे कि ये उत्तर दिशा है। तो शेक्सपियर कहते हैं कि प्यार एक ऐसा तारा है, एक स्टार है जिससे कोई वेंडरिंग बार्क हो, भटकती नाव हो, उसको किनारा मिल सकता है। वुज वर्ड्स अननोन, जिसकी कीमत है अननोन यानी कि कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं जान पाया है, अननोन है, अनजान है। अल्दो इज हाइट बी टेकन, लेकिन हाँ उसकी ऊंचाई नापी जा सकती है। कैसे ऊंचाई, ऐसे एक दो मीटर वैसे नहीं, बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं कि प्यार सबसे ऊंचा है। वैसे यह बात की गई है कि प्यार की कीमत अननोन है बट उसकी हाइट नापी जा सकती है। लव्स नॉट टाइम स्पूल, यानी कि प्यार है वो टाइम के अंडर में नहीं आता, यानी कि टाइम कितना भी बीत जाए लेकिन प्यार है वो बदलता नहीं है, वो नाश नहीं होता है, ऐसा शेक्सपियर कहते हैं। तो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, इस लाइन में शेक्सपियर कहते हैं कि उसकी बिलव्ड के फिजिकल अपीयरेंस से उसे कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे दिखती है वो मायने नहीं रखता है, बट उसका नेचर कैसा है, उसका माइंड कितना अच्छा है, उसके ऊपर उसका यार है वो डिपेंड करता है, क्योंकि उसका अपीरियंस तो समय के साथ बदल सकता है लेकिन प्यार नहीं बदलता है। यहाँ कहा है कंपास कम, यानी कि टाइम के साथ प्रेम नहीं बदलता है, वो शाश्वत रहता है, ऐसा शेक्सपियर कहते हैं। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ हवर्स एंड वीक्स, अल्टर्स यानी कि बदल जाना, तो प्यार कोई कुछ ही ब्रीफ यानी कि कुछ ही थोड़े से ही घंटों में या फिर वीक में बदलता नहीं है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, एज यानी कि समय और डूम यानी कि विनाश, जिसे हम कयामत का दिन कहते हैं। तो प्यार कयामत के दिन तक, विनाश के दिन तक, पृथ्वी का अंतिम दिन है तब तक सच्चा प्यार टिका रहता है। इफ दिस बी एरर इन अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर, लास्ट टू लाइन में शेक्सपियर कहते हैं कि अगर मैंने जितनी भी बात इस सोनेट में की वो उसमें से कोई भी बात गलत हो तो
या फिर उसमें से कोई आप भूल निकाल सको, तो मैं ये मानूंगा कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, या फिर कोई भी इंसान ने आज तक किसी से प्यार किया ही नहीं है। तो ये सोनेट यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये सोनेट अच्छी लगी हो या फिर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।